अब नीचे वाला खत्म हो रहा है था। ओए तेरी ये क्या बे। सो हे गाइस व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द स्प्लेंडर राइडर। आज की खुशी। सो हे गाइस व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द स्प्लेंडर राइडर विकीज चैनल। आज दो दो बार इंट्रो दे डाला है एंड गुड मॉर्निंग थोड़ा सा एनर्जी के साथ, एक्चुअली गुड नून क्योंकि अभी 12 बज चुके हैं, टाइम दिख रहा होगा शायद से, हमको नहीं पता। और ये देखो एक तो गुलाब का फूल इधर लगेला है, इधर लगेला है। इसका स्टोरी हम बताते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि कल मिला था ये। और कोई स्पैम मत करना कमेंट में कि भाई भाभी ने दिया था, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब वो देती है, हम भी देते हैं, लेकिन हर रोज का नहीं है वो, हमारा एक तो टाइम होता है, एक तो वक्त होता है, ठीक है। तो ये गुलाब एक्चुअल में मिला था कि मतलब मैं गया था लाइक कल किधर किचुगुड़ी साइड, और जब वहाँ से मैं रिटर्न आ रहा था तो उस टाइम से क्या हुआ, मतलब मेरा तो भाई हमेशा का हेलमेट लगा रहता है सर में, ठीक है। कभी कभार कहीं कहीं बीच बीच में निकाल देता हूँ 5-10 मिनट के लिए, फिर लगा देता हूँ, या फिर शायद से कभी कभी 2 या फिर 5 मिनट के लिए निकाल लेता हूँ और लगा देता हूँ। तो पिचुकुड़ के साइड गया था और वहाँ से रिटर्न आते टाइम मेरा हेलमेट लगा हुआ है, और वहाँ पे भाई 10-15 पुलिस ऑफिसर थे, कुछ लाइक MLA MPs वगैरह टाइप कुछ थे, ठीक है। तो वो लोग खड़े हुए थे और वो जा रहे हैं, जो लोग मतलब हेलमेट लगा के जा रहे हैं वो उनको पहले रोक रहे हैं, जो बिना हेलमेट के जा रहे हैं उनको भी रोक रहे हैं। बट मेरे को लगा कुछ चेकिंग वगैरह चल रहा होगा, तो मैंने भी कहा ठीक है हाँ कर लेते हैं, अपना क्या है, अपना सब कुछ क्लियर है। तो मैं गया वहाँ पर रुका, और रुकते ही वो लोग सीधा मेरे को एक तो गुलाब देते हैं और एक बंदा सामने आके मतलब तस्वीर लेता है। तो मैंने पूछा भैया क्यों, वो बोले कि भाई आपने हेलमेट लगाया है ना तो इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं एंड दिस रोज इज़ फॉर यू, थैंक यू। तो चलो निकलते हैं। और भाई जो लोग विदाउट हेलमेट जा रहे हैं वो उनको रोक रहे हैं, मतलब उनसे बात करने के लिए ना कि चेकिंग करने के लिए, और उनकी फटे जा रही है। वो बोले भाई हेलमेट नहीं है अपना, अपना तो कांड हो जाएगा इधर, उनकी मतलब अलग ही तरह से फट रही है। क्या ही बात करें यार, वैसे गुलाब तो अच्छा था, लेकिन यार गुलाब तो गुलाब होता है, अगर पेपर का दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन ये तो ओरिजिनल था जो कि भाई मुर्झा गया, हमको अच्छा नहीं लगा, क्या ही कर सकते हैं। अरे यार मेरे को कोई सेटिंग्स बताओ बे, ओपन कैम में क्या क्या सेटिंग्स करें तो थोड़ा बेहतर रहेगा, बेहतर सेटिंग्स मेरे को कोई बताएगा प्लीज, आई नीड इट। बेहतर सेटिंग्स मिलेगी तभी तो भाई वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा अच्छा। ओह माय गॉड, कल मिला था इतना लंबा सा गुलाब, ये छोटा सा था इतना लंबा सा उसकी मतलब वो क्या कहते हैं वो जो डंडा, हाँ वो डंडा इतना लंबा था, और मेरा जो भतीजा है वो खेलते खेलते उसको इतना सा कर दिया। एंड होपफुली आपकी भाभी आई और इसको मैं पकड़ कर घूम ही रहा था, ऐसे ही मैं और मेरा भतीजा ऐसे ही घूम रहे थे गुलाब को लेके, एंड आपकी भाभी आई और उसने पूरा तोड़ के मरोड़ के इसको शेड में डाल दिया। तो भाई शेड में तो रख नहीं सकते ना, तो ऐसे भी यार शेड के अंदर रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन छोटा हो चुका है तो वो गिर जाएगा अंदर पॉकेट के अंदर, इसलिए मैंने सोचा कि भाई कहाँ रखें, एंड इधर रख डाला, इधर इधर। लेकिन ये आज तो मुरझा गया है यार, मतलब अच्छा नहीं लगा अगर तो मुरझा जाएगा। ओ काफी तेज नींद आ रही है,
एंड बातें करते करते हम सीधे आ गए किधर, अरे किधर आ गए बे, हम आ गए गोविरा चौको सुब्रमण का बैक गेट, सॉरी फ्रंट गेट। अभी चलेंगे उसका बैक गेट अपने गांव के साइड में। ओके चलो चलो, नहीं चलो नहीं, टाटा मोटर्स। ओ भैया ओ भैया ओ भैया 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 ओ भैया, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मतलब रोड के बीच में तुम लेफ्ट लोगे। ओ भैया ओ भैया ओ भैया, अबे ये क्या है, नर्सरी चलती फिरती नर्सरी जा रही है बे सामने, अच्छा है। भाई इधर एक तो राइट में ट्रक है अपने, ये देखो कितना क्लोज लेके वो जा रहा था। ओए 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 ओए, चल चल चल, निकल 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 ना बहुत, चला एक तो अंदर घुसाएगा लेकिन निकालेगा नहीं अच्छे से। अरे ये चलता फिलता नर्सरी कहाँ आ रहा है, पेड़ कौन सा है मेरे को नहीं पता, जिसको पता है वो कमेंट में डाल देना ठीक है, मेरे को नहीं पता ये पेड़ कौन सा है, मुझे पेड़ पौधे पहचानने नहीं आते, सांप नहीं पहचान सकता और इतना ही है। हाँ बस जो चीज़ जिसको पता होगी वो पहचानेगा ना, जिसको ना पता वो क्या करेगा बे, हम क्या करें। ब्रुं 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 ब्रुं। अभी आलाम आलाम से हम आ गए सीधल सीधल आ गए जान के पास। अभी इसको खत्म करते हैं, मतलब इसको क्रॉस करके निकलते हैं। ओके ओ निकलेंगे, चलो 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 बच्चे पार्टी चलो। ये पीछे किस क्या है, ओए 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 चचा, ओए क्या कर रहे हो बे, क्या कर रहे हो, हमको रास्ता नहीं छोड़ोगे का, अबे नीचे वाला खत्म हो रहा है का। ओए तेरी ये क्या बे, सड़क ही उलट गया बे हमको, कैसे कैसे काम करते हैं, अलग सारा उल्टा दिया बे। उसको किसी कुछ हुआ ना हो, जो वह हर किसी की जिंदगी होते हैं, हर किसी के माँ बाप होते हैं, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, हर किसी की फैमिली होती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हर एक बंदा या फिर बंदी के ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती है, जो बाहर जाके काम करते हैं चाहे जो भी काम हो जैसा भी काम हो, उनके सर पर घर की जिम्मेदारियां होती है, तो काम अच्छा हो या बुरा ये नहीं देखते, वो तो बस अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए काम करते हैं। ओके
और उस इंसान को अगर कभी चोट आ जाएगी तो भाई पूरा का पूरा घर बिखर जाएगा टेंशन के मारे। चलो 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 हम आपके अच्छे हैं जाड़ा क्रॉस करके चौकनी गेट के पास एंड उधर देखो वरुणे मुंडिया इज लुकिंग यू अच्छा अच्छा व्यू दिखती वरुणे मुंडिया का थोड़ा थोड़ा दिखती हम ज़्यादा नहीं दिखाते ओके। ओह माय गॉड भैया का हेलमेट अच्छा दिखती स्पोर्ट्स किंग वेगा वाओ भैया अच्छा हेलमेट का एडिटिंग करती पेंटिंग वगैरह कर देती क्या भैया। हमको लगा भैया ये दीदी के पास आती ओए 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 क्या बात भैया कुछ ज्यादा ही जल्दी में उतरे भैया काफी जल्दी में उतरे भैया ऐसे कैसे अरे ऐसे कैसे अरे 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 बंधु अरे रुक जाओ बंधु बंधु ओ बंधु बंधु ओ भैया क्या कर रहे हो बे अबे क्या कर रहे हो भैया इतना जल्दी में क्या है का है भैया इतना जल्दी का है आराम से जाओ बीवी छोड़ के नहीं जा रही है अरे बंदा काफी जल्दी में है वैसे बंदा लेफ्ट साइड जाएगा वो तो अब बंदा चला गया उधर लेफ्ट साइड निकल गया वो पूरा बंदा वो आगे आया आओ अरे कलाइयां दर्द कर रही है बे गड्ढे वगैरह क्रॉस करते सच में मेरी कलाइयां दर्द कर रही है दर्द के मारे का हम कर रहे हैं ओए दर्द के मार का हम कर रहे हैं दर्द के मार ओए भैया 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 हमको छोड़ ही दो यार क्या कर रहे हो धन्यवाद थैंक यू यस 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 ये मदर फादर हिंदी में गुडेस्ट मैनर यस यस अरे वो भैया जाती ना कहीं काम करने को तो उनको दिक्कत हो जाती और भैया वो मशीन हमारा चला नहीं पाती और लेके उठा के ले जाती क्या करती भैया। अरे अभी भैया हमको फोन करके पूछती काहे नहीं होती हम क्या करती हम बस आइडिया देती तुम इम्प्लीमेंट करती चलती तो अच्छा होती नहीं चलती तो बहुत बुरा होती। सैटरडे भाई सीरियसली बहुत इंतजार रहता है सैटरडे का क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है
ऑफिस में बैठ कर सिर्फ सैटरडे को इंतज़ार करते रहता है। सैटरडे आएगा कब, कब कर जाएगा। आज थोड़ा सा काम तो है ही, ख़त्म करके सीधा घर आएंगे और उसके बाद बस संडे को छुट्टी, खाना वाना खा के टांग ऊपर करके सो जाएंगे, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के। यार आइडिया बुरा नहीं है। ओके वही करते हैं, इसका आइडिया बुरा भी नहीं है। ओए ओए भैया, ओए ओए ओए, अबे इधर का कैमरा फिक्सिंग क्या कर रहे हैं बे साला। मामे कैमरा फिक्सिंग कर देंगे तो उसके बाद भाई अपनी पट जाएगी, 50 से ऊपर हम गाड़ी नहीं चला सकते। अभी तो हुआ भी नहीं, अभी तो चला सकते हैं। कैमरा लगा दिया था वो लोगों ने, मतलब उसके शायद से एक्टिवेट नहीं किया होगा कि पता नहीं क्या क्या होगा, आई डोंट नो। बट अभी जब भी कैमरा में काम करते हैं तो भाई अपनी फट जाती है, क्योंकि क्या कर रहे होंगे वो कैमरा के अंदर हमको ना पता। ओ भैया वो चेयर दे दो तो घर लेके चले जाएंगे क्या। यार आज कुछ मज़ेदार होगा या नहीं होगा, कुछ तो हो जाए मज़ेदार। क्या देख रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। ओए वाह वाह, क्या बात क्या बात। यार हमारे ये खोर्धा की पुलिस को, लाइक ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्यों वो आगे बताएंगे। और आप लोगों ने शायद से देखा ही होगा बहुत बार, वो जो एक तो मतलब पुराना बस स्टैंड है, ठीक है, तो जहाँ से मैं घुमा के लेके जाता हूँ पीछे की साइड, तो उधर होता ये है कि भाई हर कोई बंदा आता है, जो हेलमेट लगाने का है उसको लगाता है, जिसका नहीं लगाने का है वो नहीं लगाता, मतलब गाड़ी में भी हेलमेट नहीं रहता है, हेलमेट पूरा का पूरा घर पे छोड़ के जाते हैं। ओ भैया कहाँ देख रहे हो गए, हेलमेट पूरा घर पे छोड़ के जाते हैं। ये देखो एक बंदा ये गाड़ी में लगा के जा रहा है, ऐसा है मतलब हेलमेट भाई किसी की ज़रूरत नहीं है। ये देखो दीदी का भी नहीं है, दो दो दीदियाँ बैठी हुई है, हेलमेट लगाएंगे तो मुखड़ा कैसा दिखेगा, और लड़कों का ऐसा है कि हेलमेट लगाएंगे तो बाल कैसे उड़ेंगे, लड़कियों को हम कैसे देखेंगे, हम कैसे पटाएंगे। और अगर विदाउट हेलमेट कभी छूट गए तो बस कहानी ख़त्म। तो खोर्धा पुलिस को भाई थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए हेलमेट की वजह से। यार हेलमेट लगाना चाहिए, आप अपनी भी ज़िंदगी बचाओगे, किसी और की भी ज़िंदगी बचाओगे और आपकी फैमिली की। ये देखो बच्चे को बैठा के लेके जा रहे हैं और विदाउट हेलमेट, क्या है। अच्छा पुलिस ने तो कह दिया कि भाई आप वो कर लो, क्या कहते हैं, हाँ एक रूल निकाल दिए हैं गवर्नमेंट ने, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी आपको सेफ्टी हेलमेट चाहिए, ऐसा कुछ कर। हाल ही में मैंने मतलब सुना था, मुझे कंफर्मेशन भी नहीं है कि ऐसा हुआ है कि नहीं, बट मैंने सुना था ये,
क्योंकि भाई मीडिया को तो अगर आप 5 चीज़ें बताओगे तो वो उसको 50 करके दिखा देंगे, उनका तो काम ही है वही चीज़ें 50 बार दिखाएंगे लेकिन उल्टा उल्टा करके, मतलब इतना उल्टा करके आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा लेकिन उल्टा उल्टा करके दिखाएंगे। लाइक ये पक्षी, वो क्या कहते हैं, पक्षी उड़ रहा है ना, हाँ कौवा उड़ रहा है, वो काला सा पक्षी उड़ रहा है, कौवा अपने घर जा रहा है, कौवा खाना ढूंढ रहा है, मतलब हर चीज़ लिख के दे देंगे उसको ऐसा ही। एंड खोर्धा में तो भाई हेलमेट का कोई इशू ही नहीं है, मतलब कोई कहता है कि मैं हेलमेट लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, मेरी मर्जी, लेकिन भाई यार देख तो लो पहले, अपनी जान जोखिम में काहे डाल रहे हो। अब खुद ही देख लो भाई कितने बंदे हेलमेट लगा के आ रहे हैं और कितने बंदे हेलमेट ना लगा के, ये देखो ये तो भैया भाई ये तो धूम फोर निकालेगा, ये भैया धूम फोर निकालेंगे, वो देखो वो भैया पीछे हेलमेट लगाए हैं, लेफ्ट में मोबाइल है एंड मोबाइल पे बात करते करते जा रहे हैं, वाह बेटे वाह। भाई यार अगर बात करना है तो यूज़ ब्लूटूथ और हेलमेट को ऐसे पीछे मत डालो यार। वाओ दीदी थैंक यू, भैया थैंक यू, अच्छा लगा, वाह भैया वाह, वाओ बहुत तेरी सुपर हीरो। यही चीज़ें आदत बन जाती है, आज हम कर रहे हैं कल को हमारे बच्चे करेंगे, पूरी पीढ़ी ऐसी हो जाएगी। और आज अचानक अगर हमको कुछ भी हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से तब हमारी आंखें खुलेगी, लेकिन अभी नहीं खुलेगी, हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे, मतलब पहले से प्रिपेयर नहीं रहेंगे, पहले गलती करेंगे उसके बाद जाके हाँ सज़ा मिली तो हमारी आँख खुली, बस इतना ही है, पहले गलती हमको करना है, यही तो हमारी मतलब इंडिया की प्रथा है, पहले हम गलती करेंगे सज़ा मिलेगी फिर जाके आँख खुलेगी। इधर राइट में एक तो दुकान है, हेलमेट खरीद लो, हेलमेट खरीद लो, लाइक पता हेलमेट रखा हुआ है वो, लेकिन किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जिसके पास हेलमेट है कि नहीं है। मेरा हेलमेट ख़राब हुआ, मैं भाई तुरंत क्या पहले ख़रीद लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, कि बिना हेलमेट हम गाड़ी नहीं चला सकते। हम निकालते हैं, हम भी है पता है, मैं भी निकालता हूँ, लेकिन इतना टाइम के लिए नहीं, मैं सिर्फ 2-3 मिनट के लिए निकालता हूँ, जब लाइक मतलब मेरी आँख में कुछ गिर जाए या फिर ऐसा बोर लगे, सर भारी भारी लगे, तो उस टाइम पे थोड़ी सी हवा खाने के लिए मैं निकालता हूँ। एंड उस बीच में ऐसा भी है कि भाई वाइज़र तो खुला रहता है जब भी गाड़ी चलाता हूँ, हवा खाने जब जब अजीब लगता है तब तब निकाल लेता हूँ 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद फिर से लगा देता हूँ, लेकिन वो 2-3 मिनट भी निकालना नहीं चाहिए पता है। मैं बात कर रहा था इस चीज़ की, ओ भैया कहाँ देख रहे हो, इधर एक हम मामू खड़े रहते हैं ठीक है, एंड ये है चोरा, दिस इज अ, इधर एक मामा जी खड़े रहते हैं और उनको ये सब नहीं दिखता किसने हेलमेट लगाया है किसने नहीं लगाया, वो सिर्फ चुपचाप खड़े रहते हैं। तो भाई आप तो मतलब अपने ड्यूटी से ही छोड़ो, क्या ही कहते हैं हम, ओए ओए गड्ढा ओए, आपका नाम ट्रैफिक पुलिस है,
ट्रैफिक नियंत्रण करे और सेफ्टी रूल्स पे भी ध्यान दे, बस इतना ही कहना है, बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे। इधर कभी फाइंस वगैरह नहीं काटते ना, इसीलिए साला हर कोई ऐसा हो रहा है, फाइन तो नहीं काटा जाएगा तो हमको टेंशन किस बात की। ये देखो जो चाहे जहाँ चाहे घुमा देगा गाड़ी अपनी, फाइन काटे, फाइन जब तक पड़ेगा ना तब भाई पता चलेगा। सीरियसली जब तक किसी के ऊपर फाइन नहीं पड़ेगी तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। एक दो बार फाइन गिर जाएगी किसी के ऊपर, फट जाएगी, उसके बाद वो बोलेगा कि भाई यहाँ पे भी चेकिंग हो रहा है, 100 रुपये कौन देगा, 500 रुपये कौन देगा, छोड़ो हम हेलमेट लगा के चलते हैं। सो गाइस सर, आज के लिए यही था वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ठोक दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब क्लिक करें, एंड राइडिंग कैसी रही, क्या क्या बातें हुई, वो सब आपको कैसी लगी वो कमेंट में भी बता देना। टिल देन। Bye-bye.